पटियाला में महंगाई की मार को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में आज हाथी पर चढ़कर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने पंजाब सरकार और मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि इन्हें महंगाई पर अंकुश लगाना चाहिए, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी पड़ी है, ध्यान देने की जरूरत है। वहीं आम जनता ने कहा कि इनकी सरकार ने कौन सा महंगाई पर अंकुश लगाया था, यह तो जनता को परेशान कर रहे हैं, इतनी गर्मी में हाथी पर चढ़कर ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। और 90% पंजाबियों ते हिंदुस्तानियों की इज्जती रोटी की लड़ाई है। अगर तुसी इनफ्लेशन देखो, जिहड़ी कंज्यूमर इंडेक्स का रेट है, जिहड़ा लोग खरीददारी करते हैं, वो 7.7 वध गई है, तो जिहड़ी होलसेल थोक जिहनूं कहिंदे आपां, वो 15.1% वध गई है। इहदा मतलब यह होया कि चाहे ट्रांसपोर्ट होवे, चाहे खाण पीण का समान होवे, चाहे खरीदन का कोई समान होवे, चाहे कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग होवे, ते चाहे हेल्थ केयर फैसिलिटी, जदों किसी ने इलाज कराना हुंदा एमरजेंसी दे विच, ये चार चीज़ां 50% इन्हां दे दाम वध गए है। गरीब की जिहड़ी दिहाड़ी है वह 250 की 250 है, जदों हेल्थ केयर के दाम 50% वधे है, खाण पीण के समान 50% वधे है, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन उहदे रेट 50% वधे है, ट्रांसपोर्ट के 50% वधे है, तो उहदी दिहाड़ी जिहड़ी 250 रुपये है,